सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं डिज्नी पर रिलीज हुए एजो मैस्क के शो हाउस ऑफ द ड्रैगन का। अब देखो भाई, अभी सिर्फ इसके स्टार्टिंग एपिसोड को ही रिलीज करा गया, दरअसल मैं बहुत कुछ तो बता नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी बिना स्पॉइलर के जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में जो आप लोग को स्टोरी है भाई ऑलमोस्ट 200 साल पहले की देखने को मिलती है गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट से। एंड इस सीरीज को देखने के लिए आप लोग को भाई गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखना ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, बट अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स को देख लिया होगा दिन आप लोगों को इसके अंदर उसकी काफी सारे रेफरेंसेस जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखो भाई, इसका जो पहला एपिसोड रिलीज करा गया है उसके अंदर जो आप लोगों को स्टोरी है भाई टाइगेरियंस फैमिली की देखने को मिलती है। एंड इसका जो पहला एपिसोड है वो भाई उन्हीं के कैरेक्टर्स को डेवलप करने में खत्म हो जाता है, जिधर आप लोग को भाई ये चीज भी क्लियर कर दी जाती है कि आप लोग को इस शो के अंदर जो स्टोरी है भाई आयरन थ्रोन के अराउंड रिवॉल्व होती हुई देखने को मिलेगी। प्लस किंग विसरिस जो कि अभी भी अपने पहले संतान की खोज में है, उन लोग के अपना उत्तराधिकारी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, ये सब के लिए भाई आप लोग को इस चीज को देखना पड़ेगा। अब देखो भाई, अभी सिर्फ इसके स्टार्टिंग के एपिसोड को ही रिलीज करा गया है, दैट्स व्हाई भाई आगे स्टोरी किस तरीके से रिवॉल्व करेगी वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट अगर मैं स्टार्टिंग के एपिसोड का भाई अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को पर्सनली भाई शो में काफी ज्यादा पोटेंशियल लगा है, खासतौर से भाई जिस तरीके से इसके पहले एपिसोड में आप लोगों को कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो मेरे को काफी ज्यादा सही लगा था, बिकॉज भाई इसके अंदर आप लोगों को काफी लंबी कास्ट देखने को मिलेगी। एंड अगर आप लोग को भाई स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि भाई कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है तो उससे भाई आप लोग को आगे स्टोरी समझने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। प्लस भाई इसी के साथ ही इसकी जो टाइमलाइन है उसके बारे में भी आप लोग को भाई शो के पहले एपिसोड के स्टार्टिंग के 2 मिनट में ही बता दिया जाता है, जिससे कि आप लोग को ये कंफ्यूजन भी हट जाती है कि भाई सीरीज की स्टोरी एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट हुई है। अब देखो भाई, शो का नाम ही हाउस ऑफ द ड्रैगन है तो काफी सारे लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि आप लोग को इसके पहले एपिसोड में ड्रैगन के सीन्स देखने को मिले या फिर नहीं मिले। तो देखो भाई, आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें तो पहले एपिसोड में ड्रैगन देखने को नहीं मिले, बट कुछ आप लोग को सीन्स जरूर देखने को मिले हैं। उसके अंदर जो भाई ड्रैगन का सीजीआई था, जो वीएफएक्स वर्क था, वो मेरे को काफी अच्छा लगा है सीरीज के हिसाब से। तो भाई मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा काम करा गया है। इस सीरीज का जो पहला एपिसोड है उसका रन टाइम आप लोग को भाई 1 घंटे का देखने को मिलता है। एंड भाई जितने भी कैरेक्टर्स आप लोग को इसके पहले एपिसोड में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उसके हिसाब से भाई इतना रन टाइम मेरे को सही लगा। प्लस भाई इसी के साथ ही जो आप लोग को इसका बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है वो भी भाई शो के हिसाब से काफी अच्छा है। एंड भाई आप लोग को बताया कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जो आप लोग को बीजीएम सुनने को मिलता है वो कितना ज्यादा तगड़ा होता है, तो वही सेम केस आप लोग को हाउस ऑफ द ड्रैगन में भी देखने को मिलेगा। सो भाई अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बोलूं तो मेरे हिसाब से भाई ये शो इस साल का वन ऑफ द मोस्ट फन टू वॉच शो होने वाला है। जितने भी गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के फैंस हैं उन लोगों के लिए तो भाई किसी भी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। एंड जो भाई अभी इसके स्टार्टिंग एपिसोड से एक्सपेक्टेशन लगी है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि स्टोरी आप लोग को आगे चल के और भी अच्छी ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग भाई इस शो को देखना चाहते थे देन आई थिंक आप लोग को डेफिनेटली इस शो को कंसीडर करना चाहिए। इस शो का एक ही ड्रॉबैक है कि शो आप लोग को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वो लोग इस शो को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो लोग भाई सीरीज को हिंदी में देखना पसंद करते हैं। बट अगर आप लोग को भाई इंग्लिश में कोई भी इशू नहीं है देन आप लोग डेफिनेटली इस शो को कंसीडर कर सकते हो। इस शो को आप लोग भाई अपनी फैमिली के साथ कंसीडर नहीं कर सकते हो बिकॉज आप लोग को इसके अंदर भाई कुछ 18+ सीन्स देखने को मिलते हैं। आप लोग अपने एज ग्रुप वाले लोगों के साथ इस शो को कंसीडर कर सकते हो। अभी करंटली भाई मैं इस शो को रेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज जब तक शो भाई पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक भाई पता ही नहीं चलेगा कि शो एग्जैक्टली किस तरीके का था। तो भाई पहले एपिसोड के हिसाब से मैं आप लोग को रेकमेंड जरूर कर सकता हूँ कि आप लोग इस शो को देख सकते हो। बाकी भाई अगर आप लोगों ने इसके पहले एपिसोड को देख लिया देन आप लोग भाई कमेंट करके बताना कि आप लोग को शो कैसा लगा एंड आप लोग भाई इसके अगले एपिसोड के लिए कितना ज्यादा वेट कर रहे हो। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।